अब देखो पप्पू जो है ना वो 12th में फेल हो गया है, तो भागते हुए मेरे पास आया और बोला भैया मैं 12th में फेल हो गया हूँ, मेरे लिए एक RTI लिख दो। तो अब पप्पू को तो RTI आता नहीं था डालने, आपको आता है कि नहीं, आइए आप भी सीख ही लीजिए आज कैसे डालते हैं। जो ये आपका RTI है वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है, और आर्टिकल 19 आपका फंडामेंटल राइट है, यानी कि मौलिक अधिकार है। तो अगर आपके RTI का कोई सुनवाई नहीं होता है, कोई जांच नहीं होता है, तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट केस कर सकते हैं और बोल सकते हैं सर मेरा जो मौलिक अधिकार है वो खतरे में है। आइए जानते हैं अब RTI लिखते कैसे है। RTI लिखते वक्त चार चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पहला बात कि आप कभी भी RTI में क्वेश्चन नहीं करेंगे, यानी कि सर मेरा नंबर कैसे हुआ, मेरे गाँव का रोड क्यों नहीं बन रहा है, ये सब क्वेश्चन नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, RTI लिखते वक्त एक सब्जेक्ट पे लिखा जाता है, यानी कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसी पे लिखिए, दूसरा सब्जेक्ट उसमें ऐड नहीं। तीसरी बात, RTI आप महज 150 शब्दों में लिख सकते हैं, इसलिए अपने सब्जेक्ट पे फोकस रहे। चौथी बात, RTI आपको बस डेटा प्रोवाइड करता है, इसलिए आप बस डेटा ही मांगें, क्वेश्चन नहीं कर।